वेलकम टू आरजे मैथ्स क्लासेस। मैं सौरभ गर्ग आज का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैलीलियन रूपांतरण के अनुप्रयोग। पिछली क्लास में हमने गैलीलियन रूपांतरण को समझा था और उसके बारे में बेस्ट प्रॉब्लम की थी। आइए देखते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अनुप्रयोग होते क्या है। चलिए, तो गैलीलियन रूपांतरण का अनुप्रयोग जो होते हैं, उसका पहला अनुप्रयोग है कि दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन होता है वह दोनों निर्देश तंत्र एस व एस में क्या होता है, निश्चर होता है, अर्थात बराबर होता है। तो इस अनुप्रयोग को हम सिद्ध करने से पहले डायग्राम देखते हैं। चलिए, माना कि एक निर्देश तंत्र S है तथा ये दूसरा निर्देश तंत्र S' है, जिसका X अक्ष, Y अक्ष तथा ये Z अक्ष है। इसी प्रकार S' के लिए भी ये X' अक्ष, ये Y' अक्ष तथा ये Z' अक्ष हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी दो बिंदु P तथा Q है, जिसके बीच की दूरी S निर्देश तंत्र के लिए क्या है, D मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो दूरी है P तथा Q बिंदु के मध्य, वह S' निर्देश तंत्र में भी D दूरी ही रहती है। यदि माना एच डैश निर्देश तंत्र में ये दूरी डी है, डैश है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, प्रूफ डेट, हमें सिद्ध करना है कि डी बराबर डी डैश की जो दूरी होगी वह दोनों निर्देश तंत्रों में बराबर होगी। तो यदि यह बिंदु ओ क्या है, एक मूल बिंदु है, एच डैश निर्देश तंत्र वी वेग से गति करता हुआ बिंदु ओ डैश पर पहुंच जाता है, तब ओ से बिंदु पी की दूरी क्या है, माना आर वन वेक्टर है, तथा बिंदु ओ से बिंदु क्यू की दूरी माना क्या है, आर टू वेक्टर है, तथा बिंदु P की ओडैस से दूरी क्या है, R1 वेक्टर डैश है, जबकि बिंदु ओडैस से दूरी इसकी क्या है, R2 डैश वेक्टर है। ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया है लेकिन आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दूरी क्या है, D व D डैश है, ठीक है। तब एस निर्देश तंत्र के लिए त्रिभुज ओ पी क्यू में त्रिभुज के नियम से यदि ये दिशा इधर है, ये इधर और ये इधर है, इसी प्रकार ये, तो त्रिभुज का नियम हम त्रिभुज ओ पी क्यू में लगाएं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का नियम क्या होता है कि दो कोई भी क्रमागत भुजाएं का सदिश योग क्या होता है, किसी भी तीसरी भुजा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो पहली भुजा क्या है, ओपी है, तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर OQ वेक्टर, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये OP वेक्टर क्या है, यहां पर R1 वेक्टर है, प्लस PQ वेक्टर क्या है, D है, तथा OQ डैश, OQ वेक्टर क्या है, यहां पर
तो यहां पर हो जाएगा आर टू वैक्टर। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, इसे समीकरण नंबर एक मान। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र के लिए त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा, ओडेस पी प्लस पी क्यू वैक्टर बराबर ओडेस क्यू वैक्टर। ओडेस पी क्या है, आर वन डैश वैक्टर, ये डी डैश बराबर आर टू डैश वैक्टर। तो यहां से डी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर टू डैश वैक्टर माइनस आर वन डैश वैक्टर। ठीक है, ये क्या आ गया, समीकरण नंबर दो। अब हमें कैसे भी सिद्ध करना है कि जो d बराबर क्या होगा, d डैश होगा, तभी हमारा जो अनुप्रयोग है सत्यापित होगा। क्योंकि ये गैलीलियन रूपांतरण का अनुप्रयोग है तो इसमें हमें गैलीलियन रूपांतरण का उपयोग करना होगा। अब हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है, हमने पिछली क्लास में गैलीलियन रूपांतरण डिस्कस किया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूं कि गैलीलियन रूपांतरण होता क्या है। यह होता है आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस पीटी। ये आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस बीटी क्या होता है, गैलीलियन रूपांतरण होता है। तब दो बिंदु P व Q के लिए R1 डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस Bt, R2 डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस Bt। समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर चार। समीकरण तीन व चार के मान समीकरण दो में रखने पर, अब ये समीकरण तीन व चार है, इसकी वैल्यू हम समीकरण दो में रख दें तो हमारे पास डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे यहां पर कर लेते हैं। तो डी डैश बराबर क्या आ जाएगा, आर टू डैश वेक्टर, आर टू डैश वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहां पर आर टू वेक्टर माइनस बी टी माइनस R1 वेक्टर माइनस Vt। डी डैश बराबर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस के Vt माइनस R1 वेक्टर प्लस के Vt। Vt से Vt कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी डैश बराबर क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण नंबर पांच को तथा समीकरण नंबर एक को, क्या ये डी तथा डी डैश की वैल्यू बराबर नहीं है क्या, बराबर है। तो समीकरण एक व पांच से हम क्या कह सकते हैं कि d बराबर क्या है, डी डैश है। यहां पर हमारा जो अनुप्रयोग है वह सिद्ध हो चुका है कि s निर्देश तंत्र में किन्हीं भी दो कणों के या दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है वह s डैश निर्देश तंत्र में भी समान रहती है तथा निश्चर रहती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दूरी के लिए गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं।
यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था जो कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ठीक है नोट कर लीजिए। तो हमने अभी पहला अनुप्रयोग किया था, अब हम गैलीय रूपांतरण के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं जो कि क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो संवेग संरक्षण का नियम जो रहता है वह सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम को समझने से पहले हमें टक्कर का उदाहरण समझते हैं जो कि संवेग संरक्षण के लिए बेस्ट उदाहरण माना जाता है। तो माना कि दो कण हैं, कितने कण हैं, दो कण हैं, जिसका एच डैश निर्देश तंत्र के लिए वेग कितना है, यू है, यू वन, तथा दूसरा कण है जिसका वेग कितना है, यू टू है। ये किसके पास पहले है, टक्कर से पूर्व, अभी इन कणों के मध्य कोई भी टक्कर नहीं हुई है, टक्करों से, टक्कर से पूर्व, और किस निर्देश तंत्र के लिए है, एस निर्देश तंत्र के लिए। अब यदि ये टक्कर करने के पश्चात ये कण V1 वेग से तथा ये कण B2 वेग से गति करता है टक्कर के पश्चात, तो S निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात इस कण का वेग क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा तथा इस कण का वेग V2 हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के अनुसार संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व पुल संवेग जो होता है, संवेग संरक्षण के नियम अनुसार कि टक्कर के पूर्व जो पुल संवेग होता है वह टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होता है। यदि इस कण का वेग m1 तथा m2 है, इसका भी m1 तथा m2 है, तो टक्कर के पूर्व कुल संवेग किसके बराबर होता है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 वेक्टर बराबर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये क्या है, s निर्देश तंत्र के लिए संवेग संरक्षण का नियम है। यदि यह एस निर्देश तंत्र में लागू है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एस डैश निर्देश तंत्र किसी अन्य निर्देश तंत्र एस डैश में भी संवेग संरक्षण नियम लागू रहता है। यदि इस कण का वेग u1 डैश तथा इस कण का वेग u2 डैश है टक्कर से पूर्व, तब टक्कर के पश्चात इस कण का वेग v1 डैश तथा इस कण का वेग b2 डैश हो जाता है। ये क्या है, टक्कर के पश्चात इस कण का द्रव्यमान m1 m2 है,
इसका भी m1 m2 है, तब टक्कर से पूर्व कुल संवेग क्या होगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश तथा टक्कर से पश्चात कुल संवेग बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश वेक्टर होगा। अब मैं क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों जो संवेग हैं वह बराबर होते हैं, तब गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन वेग के रूपांतरण से हम जानते हैं कि u1 डैश वेक्टर बराबर क्या होता है, u1 डैश वेक्टर प्लस v होता है। ये कल मैं सिद्ध करा चुका हूं कि u1 वेक्टर बराबर क्या होता है, u1 डैश वेक्टर प्लस v होता है। इसी प्रकार u2 डैश u2 वेक्टर बराबर क्या होता है, u2 वेक्टर डैश प्लस v तथा v1 वेक्टर बराबर क्या होता है, v1 डैश वेक्टर प्लस v तथा v2 वेक्टर बराबर क्या होता है, v2 वेक्टर प्लस v होता है। इन सभी के मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, यदि इन सबके मान समीकरण नंबर एक में रखने पर हमारा टक्कर से पूर्व कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात कुल संवेग बराबर आ जाता है तो यह एस डैश निर्देश तंत्र में भी संरक्षित होगा। तब उपरोक्त मान समीकरण एक में, तो m1 u1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, u1 डैश वेक्टर प्लस v, m2 u2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, u2 डैश वेक्टर प्लस v बराबर m1, v1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, v1 डैश वेक्टर प्लस v प्लस m2, v2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, v2 वेक्टर प्लस v डैश। तब यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, u1 वेक्टर m1 v प्लस m2 u2 वेक्टर डैश प्लस m2 v बराबर m1 v1 वेक्टर डैश m1 v प्लस m2 v2 वेक्टर डैश प्लस m2 v। यहां से m1 v तथा m2 v बराबर में m1 v तथा m2 v से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 u1 वेक्टर डैश प्लस m2 u2 वेक्टर डैश बराबर m1 v1 वेक्टर डैश प्लस m2 v2 वेक्टर डैश। ये क्या है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग तथा टक्कर के पश्चात कुल संवेग किस निर्देश तंत्र के लिए है, एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एस निर्देश तंत्र में जो कुल संवेग रहता है वह एस डैश निर्देश तंत्र में भी संरक्षित रहता है, अर्थात टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर है टक्कर के पश्चात कुल संवेग। अतः संवेग संरचना का नियम सत्यापित होता है।
हमने अभी संवेग संरचना का नियम सत्यापित कर लिया है, इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज हमने गैलिली रूपांतरण समाप्त कर दिया है, कल हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे मैथ्स क्लासेस। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।